नाजरीन, आगे आगे एक टोपी वाला नौजवान और पीछे पीछे पुलिस वाले। ये नौजवान केरला के मल्लापुरम का शहाब है, जो निकला है पैदल हज करने के लिए, जो 2023 को मक्का पहुंचेगा, जिसको रास्ते में हर मौसम का सामना करना है, फिर अल्लाह के घर काबा का दीदार करना है। मगर कुछ लोग कहते हैं ये नौजवान मक्का पहुंचेगा कैसे। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाब केरला में एक सुपर स्टोर पर काम करता है, जो इस मुकद्दस सफर पर 2 जुलाई को घर से निकला। बारस से मक्का मुकर्रमा पहुंचने में 280 दिन लगेंगे, जिसमें इसको 8,640 किलोमीटर सफर तय करना होगा। शहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इसका हदफ 25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना है। भारतीय नौजवान रियासत कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से होता हुआ वाघा बॉर्डर के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होगा। शहाब को मक्का तक पहुंचने के लिए इसे भारत, ईरान, इराक, पाकिस्तान और कुवैत की सड़कों से गुजरना पड़ेगा। फिर 2023 मक्का पहुंचकर अल्लाह ताला के फजल से हज अदा करेगा। अल्लाह ताला इस नौजवान के सफर को आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन।